हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां पर आप टेबल के ऊपर कुछ शॉमी के प्रोडक्ट देख सकते हो। आप चार्जर के बारे में जानते ही हो, पावर बैंक के बारे में जानते ही हो, स्मार्ट वॉच मोबाइल फ़ोन के बारे में जानते ही हो, ईयरफोन के बारे में जानते ही हो। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि वाउ स्टिक का जो स्क्रू ड्राइवर है ये भी शॉमी का ही है, आईपी कैमरा ये भी शॉमी का ही है। अब क्या, अब दोस्तों ये जो टेस्टर है जो कि पानी की क्वालिटी को चेक करेगा ये भी शॉमी ने ही बनाया है। तो इस टाइप से दोस्तों शॉमी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपके होम अप्लाइंसिस हो। तो शॉमी दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, चाइना में इसने बहुत सारी कंपनी को ओवरटेक कर दिया है। तो इस तरीके से शॉमी अब दोस्तों सिर्फ मोबाइल फ़ोन पावर बैंक से ही नहीं बनाता है, अब ये दोस्तों आ चुका है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब कि आपके जो डेली अप्लाइंसेस हैं, गैजेट्स हैं, उसमें भी आपको शॉमी का नाम देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली दोस्तों शॉमी ने काफ़ी सारे रोबोट्स वैक्यूम क्लीनर्स को लॉन्च किया है। तो फिलहाल नाम छोटा है बट प्रोडक्ट इनके काफ़ी बड़े हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ शॉमी का ये TDS मीटर। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। शॉमी का ये TDS मीटर देख लीजिए, कुछ इस टाइप के डिब्बे में आ रखा है। आगे की साइड को आपको लेआउट मिल जाएगी। यहाँ पर MI ब्रांडिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप दोस्तों मॉडल ले सकते हो, ये मॉडल है XMTDS01YM, ये मॉडल है 0 से लेकर 9990 ppm तक ये मेजर कर सकता है। दोस्तों इसके अंदर 1.5 वोल्ट की बैटरी है, AG13 मॉडल है, 3 mAh तक ये करंट कंज्यूम करता है। और यहाँ पर दोस्तों आप कुछ और स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये दोस्तों शॉमी का प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप इसका सीरियल नंबर देख सकते हो, यहाँ पर कैसे इसको इस्तेमाल करना है सबके बारे में बताया गया है, और बैटरी कैसे रिप्लेस करनी है इसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों ये है शॉमी का एक TDS मीटर। आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सिक्योरिटी सील है, दोनों साइड को काट लेते हैं, निकालते हैं डिब्बे से बाहर। तो सबसे पहले मिलता है एक छोटा सा कार्ड, शायद ये वारंटी कार्ड हो। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर है TDS मीटर। तो फिलहाल ये है इसके बॉक्स कॉन्टेंट, एक डिब्बा है, एक वारंटी कार्ड है और यूनिट है। तो आइए दोस्तों अब TDS मीटर को देखते हैं। तो दोस्तों यह है शॉमी का TDS मीटर, देख लीजिए काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लगभग एक पेन का साइज़ है। और अगर लेआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले, एक बटन, ऊपर की साइड को एक कैप है। इसके अंदर आपको इसकी दो बैटरीज मिल जाएंगी, LR44 आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आगे की साइड को आपको इसके सेंसर्स मिल जाएंगे, मतलब कि आपको पानी यहीं पर एंटर करना है। तो ये है दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। अगर दोस्तों इसको मैं कंपेयर करता हूँ जो रेगुलर TDS मीटर इंडिया में मिलते हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। अब देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों अब नोएडा के जो टैप वाटर है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनिट को ऑन कर लेता हूँ, देख सकते हो जो रीडिंग है वो PPM में आएगी। आइए डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नोएडा का पानी है उसका PPM है 110×10, मतलब कि 1100 TDS है। तो दोस्तों जो नोएडा का टैप वाटर है वो किसी भी लहजे से पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आइए आप देखते हैं वेरियस अदर वाटर सोर्सेज को जो कि यहाँ पर लोग पीते हैं। रनिंग वाटर का पानी ले लेते हैं और चेक करते हैं इसका TDS भी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, आइए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो जो रनिंग वाटर है गंगा वाटर उसका है 565। तो ये कम है दोस्तों एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस जो हमने लोगों ने यहाँ पर रीड किया था। आइए अब एक RO का ले लेते हैं जो कि है लीप प्योर का। तो इसका TDS मेजर करके देख लेते हैं। तो इसका जो TDS है वो है 44 या 43। तो दोस्तों TDS कम है, थोड़ा TDS बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है सन बैटरीज का पानी जो कि आपके बैटरीज में डलता है। तो आइए इसको भी TDS मेजर कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसका TDS जो मेरे यहाँ पर RO लगा हुआ है उसके बराबर आ रहा है, 45 है TDS। मदर डेयरी का दूध फुल क्रीम, आइए इसका भी TDS मेजर कर लेते हैं। तो इसका TDS आ रहा है 1540। तो दोस्तों यह है पतंजलि का आंवला एलोवेरा, आइए इसका भी TDS चेक कर लेते हैं। इसका जो TDS है 168×10, मतलब कि 1680। ये भी काफ़ी TDS वाला सोल्यूशन है। तो आइए दोस्तों एक बार ऑफिस के पानी को भी चेक कर लेते हैं जो हम लोग पीते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो इसका जो TDS है वो 21 है, काफ़ी कम है दोस्तों, इसका भी TDS बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये रहा
Xiaomi का TDS मीटर काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप कोई TDS मीटर लेने जा रहे हो तो आप Xiaomi का मंगवाएं, ये ज़्यादा जेन्युइन है, आप इसकी रीडिंग पर भरोसा कर सकते हो। बाकी जो लोकल मार्केट में मिलते हैं आप उनको भी ले सकते हो, उनकी रीडिंग्स भी दोस्तों आपको लगभग अंदाजा दे देंगी कितना TDS है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई लेने जा रहे हो TDS मीटर तो Xiaomi का लें, ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा और आपके पीने वाले पानी की शुद्धता को भी बताएगा। तो फिलहाल मैं इसको रेकमेंड करूंगा, बाकी आप देख लीजिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।